सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग आर। तो गाइस आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस मैंने सोचा नहीं था कि गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, पर गाइस जो मैं पाया उसकी वजह से मुझे करनी पड़ी, क्योंकि गाइस ये बहुत मुश्किल से, मतलब गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैप आता है। चाहे क्लैश स्क्वाड ही हो, रैंक में तो पता नहीं आई नहीं, गायब हो गया गाइस, मतलब मैं बंद ही कर दिया गई मैंने आई थिंक से। और मैं अंधाधुन पे अंधाधुन फायर करे ही जा रहा हूँ। और यहाँ वॉल देख चुके मुझे बैगर आंटी को 110 हेड। अब ये कहाँ से आ गया? ओए चुपचा, ऐसे नहीं बेटे, हैवी ड्राइवर गाइस, हैवी ड्राइवर है। आओ बेटे, नहीं ले आ गया स्वाद। अबे अबे आंटी 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 रुक जाओ आंटी, यार आंटी रुकती नहीं गाइस, आंटी ने मार डाला मेरे को। क्या गाइस ये रैंडम ये वाला राउंड निकाल पाएगा या फिर ये हमें ही निकाल देगा? वाह 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 वाह। और ये आंटी भी से घूम घूम के आती हुई और मन चाहता हुआ, और उधर एक डाउन होता है और वो कॉन्ग गायब हो गया। भाई भाई आंटी उड़ के आई, वो कॉन्ग बन गई, वो गायब हो गई। भाई आंटी कहाँ गई? गई उड़न छूड़न उड़ा उड़ा खेल रहे हैं क्या ये? भाई साहब मार दिया भाई, बढ़िया भाई, बहुत हार्ड। तो गाइस मैं फुल रैंडम के साथ खेला था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त ऑनलाइन नहीं था उस टाइम, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही खेल लेता हूँ। तो गाइस मैंने देखा काला आ रही ऊपर से, इतने अच्छे रैंडम, मैंने कहा वीडियो बोलते वॉइस, और ऊपर से क्लैश कॉल रैंक, मैंने कहा अभी के अभी बनाऊँ। तो गाइस फटाफट सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है, और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होता है। क्योंकि रैंडम तो गाइस मतलब नोट तो नहीं है, अच्छे हैं, मैं थोड़ी सी कैंपिंग करके खेलूँगा तब भी पता चले आगे जाके मर जाए, और मुझे फिर आगे कुछ क्लच निकालना पड़े 1 2 1 3 ऐसे कुछ करके। तो वैसे मैं थोड़ी सी कैंप करूँगा, और ये कह रहे थे कि हम रश करेंगे, तो वैसे मैंने बोला कि तुम रश करो, अगर तुम मर जाओगे तो कोई नहीं मैं देख लूँगा। तो वैसे उन्होंने एक को डाउन कर दिया है, और मेरे सामने एक बंदा है जो भाग गया है, और इसको डैमेज देते हुए पर एक भी हिट नहीं लगते, और उसने वॉल लगा लिया। और हैकर हो क्या? दो बंदे मार दिए मेरे वैगर ने, मुझे फिर से वॉल दे दिया। वैगर कह रहा है कितनी वॉल लेगा, बस कर। चलो कोई ना, कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, और उनके पास है। चलो भाई हैकर है भाई मेरे रैंडम, भाई मुझे खेलने की ज़रूरत ही नहीं, मैं बैक ले लेता हूँ। भाई ख़त्म कर दिया भाई, नहीं भाई इमोट दिखाओ बे भाई, इतने अच्छे रैंडम भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं, है ना गाइस? आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कभी आपको बहुत अच्छे रैंडम मिले हैं, कि जो रैंडम आते हैं बॉट गरीना जो देती है कि वही आते हैं, कि इतने अच्छे रैंडम आते हैं कि आपको खेलना भी नहीं पड़ता, आराम से बैठ के मजे करें। तो वैसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो वैसे यहाँ दो राउंड ख़त्म हो चुके हैं, और तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हुए हम, और क्या हमें बूझा कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से हम जीत रहे हैं 2-0, तो गाइस मुझे लगता है हम बूझा कर लेंगे, पर कुछ कह नहीं सकते गाइस, सामने वाले भी बंदे अच्छे हैं, मतलब कभी भी कम बैक कर सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते ऐसे। तो गाइस मैं फिर नहीं, और इसको 50 हेड लगा, और इतनी अच्छी एमपी हेड की बॉडी 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 लगी, मज़े ही आ गया, स्वाद ही आ गया ज़िंदगी का। और ये आंटी जी ऊपर आ चुकी हैं, और ये आंटी जी उनको लग रहा है मैंने देख लिया, आंटी जी को लग रहा है मैंने उसको नहीं देखा, पर कोई ना आंटी जी यहाँ नहीं आएगी। और मुझे स्टेप्स आ रहे थे गाइस थोड़े बहुत, आपको नहीं आ रहे होंगे, तो वैसे मुझे स्टेप्स आ रहे थे थोड़े, तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना कितने आते देखते हैं, पर गाइस फिर मैंने सोचा नीचे कूद जाते, पता चलो 4 बंदे घुस गए मेरे ऊपर। तो गाइस मैंने पहले सोचा कि नीचे चेक कर लो, नीचे भी कोई नहीं था, तो गाइस मैंने फिर सोचा अपने टीममेट्स के पास ही चले जाते हैं, वहाँ जाके उनको मारते हैं, वहाँ जो एक दो बंदे हैं, तो मैंने सोच यही सोचा गाइस, तो पहले उनको जाके मारेंगे, फिर आराम से ऊपर जो बंदे चढ़े हुए हैं एक दो जो उनको मारेंगे। तो गाइस मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा था, तो गाइस मुझे लगा ऊपर कोई है नहीं, तीन से उतरे, और भाई जैसे ही मैं इधर पहुँचा ऊपर से तीन बंदे मुझे दिख गए। तो गाइस मुझे बस यही डर था कि 3 बंदे ऊपर, तो मैंने कहा चलो थोड़ी कैंपिंग करके दिखाते हैं इनको। तो गाइस मैं यहाँ धीरे धीरे आगे जाता रहा, गया आगे और थोड़ा आगे गया, फिर गाइस थोड़ा सा और आगे गया, और गाइस यहाँ पे फाइनली मुझे 2 बंदे नीचे आते हुए दिख गए, और यहाँ पे एक ने हेलमेट दिखाया था, उसका हेलमेट फाड़ दिया मैंने, और इधर मुझे स्पाइलर लगाया और उसका हेलमेट उड़ा दिया। इधर से मुझे एक और बंदा मारता है, और मेरी वहाँ पूरी छिस जाती है, वो रैंडम बोलते हैं। तो ऐसे उन्होंने मुझे बचा लिया, और यहाँ पे मैं मस्त लूट करते हुए, सब को क्लियर करते हुए, लूट करते हुए, वॉल उठाते हुए, और यहाँ पे आखिरी बंदा है, वो है कहाँ पे भाई? अरे भाई अरे मार दिया भाई, भाई हैवी ड्राइवर है भाई सारे। तो गाइस अगर आपके पास लॉल है, तो गाइस आप दिखाते हो कि गाइस आप सोचते हो कि
नहीं दिखाते कोई नहीं यार, वो फॉर्म में आ जाएंगे हरा देंगे। और गाइस ये आपको ग्लिच तो पता ही होगा कि गाइस अगर आपके पास 3 बॉल है तो गाइस आप एक्स्ट्रा हर राउंड में 2 एक्स्ट्रा बॉल ले सकते हो। ये पता नहीं, ये गाइस 3-4 महीने होने वाले ग्लिच को ये ना ठीक हो रहा है, तो गाइस हमें इससे फ़ायदा होता है कि हर राउंड में मतलब 3 बॉल हैं आपके पास तो 2 हर राउंड में, तो गाइस ऐसे 7-8 बॉल हो जाती है गाइस आपके पास खुद ही। और गाइस रैंडम से उठाओ मतलब सामने वालों को मार के उठाओ तो गाइस 10-12 तो वो ही जाती हैं लास्ट के राउंड तक। तो चलो गाइस यहाँ पे 3 राउंड हम जीत चुके हैं, पिछले राउंड कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया 2-3 मिनट का। और यहाँ पे वो कॉन्ग बन के ऊपर आते हुए मैं फुल अंधाधुंध फायर करते हुए, और यहाँ पे ये इन्होंने मुझ पर इतना गंदा फायर कर दिया है। और ये डबल वेक्टर योद्धा कहाँ से आ गए भाई, मैंने देखा नहीं डबल वेक्टर है, मैं पहले डबल वेक्टर ले लेता यार भाई, सारे डबल वेक्टर योद्धा बने हुए भाई संभल के खेलना। तो गाइस फुल कैंपिंग कर रहे हैं और इधर एक डाउन कर दिया इन्होंने, पता नहीं कहाँ पे किया पर कर दिया है। और गाइस मतलब इसने किया जो गाइस ऊपर से कूदा क्या होता है भाई। तो गाइस ये रश कर रहा है और देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्या ये रैंडम निकाल पाएंगे या ये हराएंगे। और यहाँ पे एक डाउन और ख़त्म हो चुका है, और भाई तो वहीं बैठा रहेगा क्या, फायर है भाई ग्रीन M10 लेके भी डर रहा है भाई ये। और इसको पीछे से मार दिया और इसने दूसरा डाउन कर दिया है, और ये फुल M10 वाला भागते हुए, और इसने देख लिया कि ऊपर से एक बंदा कूद रहा है पर वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये आंटी जी घुस गई हैं वो कॉन्ग बन के, और यहाँ पे आंटी जी ने कुछ भी नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे आगे चलते हैं, इन्होंने रिवाइव कर दिए सारे, और ये पीछे से जो घुसा है बंदा बहुत ही मज़ेदार घुसा है, और यहाँ पे ये रैंडम ने गेम निकाल दिया और यहाँ पे हो गया हमारा भूया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, पीस आउट।